हाय, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टैवगर को आप कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए आपका टैवगर यहाँ पर है, क्वांटिटी कितनी यूज़ करना है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए ये 1.5 लीटर की बॉटल है हमारे हाथ में, यहाँ पर यह सामने नज़र आ रही है आपको, और ये टैवगर है। इसका एक डालिए, एक ढक्कन उसके अंदर। ये देखिए इसका ढक्कन, जब कैप हमने खोला तो उसके कैप में ऐसा नज़र आ रहा है, पूरा टॉप तक हम भर देंगे इसको। बस अब इसको उस 1.5 लीटर की बॉटल में डाल दीजिए। इसको एक बार इसका कलर देख लीजिए, फॉगी कलर हुआ होगा। हम अराउंड 1.5 ढक्कन देखते हैं इसके अंदर। देखिए अभी कलर हल्का सा फॉगी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अभी उसका आधा और ले लेंगे। ये 1.5 लीटर की बॉटल है, जो पानी की बॉटल है, स्प्रे बॉटल हमारी, वो 1.5 लीटर की है। आधा ये एक हो गया है, इसका आधा ही डालना, आधा वापस से बॉटल में जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे स्प्रे बॉटल जो हमने बंद कर दिए और अभी हम लोग इसको स्प्रे करने वाले हैं। सो, ये हमारी लोड हो रही है स्प्रे बॉटल। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ स्प्रे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, टैवगर का स्प्रे कहाँ पे होता है। फिर उसके बाद आपको साफ का वीडियो भी मिलेगा, साफ भी आपको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी हम लोग टैवगर को देख लेते हैं। तो हमारी स्प्रे बॉटल लोड हो चुकी है, मुझे दे दीजिए, मैं कर लूँगा। या अभी इसको कहाँ स्प्रे करेंगे, देखिए जहाँ पर भी आपको वाइट बग्स नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले ऑब्जर्व किया था कि देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक सेकेंड फोकस नहीं ले पा रहा है, जस्ट सेकेंड। या सो देखिए मैंने कुछ दिनों पहले ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर वाइट बग्स हमारे जरबेरा के पौधे में नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो टैवगर का स्प्रे इस पर करा जाएगा। इस तरह के वाइट बग्स जब भी हो हमको टैवगर का स्प्रे करना है। सिंपली मैंने पूरे पत्तों पर स्प्रे कर दिया है, मिट्टी में कम जाए ये चीज़ हमने ध्यान रखना है कि मिट्टी में कम जाना चाहिए, पत्तों पे ज़्यादा, मैं पत्तों पे ही स्प्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि ये वाइट बग्स जो है सारे पौधों में फैल जाते, तो अभी कुछ में ही लगे, लेकिन मैं टैवगर सब पे स्प्रे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आसपास सब में फैलेगा ये। सो इस तरह से आप भी टैवगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वाइट बग्स नहीं, ब्लैक बग्स, रेड बग्स, सब में ये चलता है। छोटे छोटे कीड़े जब लग जाते, बग्स लग जाते, उसमें ये काम आता है। सो यू कैन यूज़ द टैवगर इन दिस वे।